पुनच्छकेयम् ओं पवित्रः पवित्रो वा स्रवावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वाज्याभ्यन्तरसुचि श्री हरि पुण्डरीकाक्ष पुणातो पुण्डरीकाक्ष पुणातो पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी सिंह नवाडी से गोपीडी होते हुए लता की दमगी होते हुए कुरहो बिंदो गम्हारडी और बिझैया होते हुए छोटकी खरगड़िया में 91 करोड़ का रोड का स्वीकृति मेरा एक ऐसा प्रयास था कि लताकी में माइंस था जब भी मैं सड़क बनाता था क्योंकि वह सड़क 9 टन का बनता था और हाईवा में 40 टन 50 टन पत्थर जाता था, टूट जाता था, रोजगार भी मिलता था, किसी कारण बस उसको रोका भी गया, रोड हमारा टूट जाता है। इसलिए मेरे जहन में था कि इसको हम पथ निर्माण विभाग में करेंगे तो हमारे लोगों को भी आने जाने का सुविधा होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और निश्चित तौर पर यह सड़क की गुणवत्ता भी रहेगा। तो इस तरह से यह तभी संभव हुआ जब आप सबों ने एक साथ सांसद और विधायक को जिताने का काम किया। नदी की जय, बाबा फुलवरिया की देख रहे होंगे 2014 से लेकर अभी तक देश के प्रधानमंत्री ने विकास के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, सभी सेक्टर्स में जो काम किया है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। उस पर मैं प्रकाश डालूंगा तो बहुत घंटों समय लगेगा, लेकिन आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में भी जाना चाहेंगे तो आप यहाँ पर हमारे सभी लोग उस पार के नवडिया के लोग बैठे हैं। एक हाई स्कूल नवडिया था और इस तरफ आज 7 पंचायत है। मैं हाई स्कूल आपको बता देता हूँ, मैं अपने पीरियड में जो किया, बहुरियाडी, शहरपुरा, कुरहो बिंदो, नवडिया और 4 हाई स्कूल है इस एरिया में। आप समझ सकते हैं 7 पंचायत में 4 हाई स्कूल है, उसमें 2 प्लस 2 है, एक शहरपुरा प्लस टू है और नवडिहा प्लस टू है। इस तरह से हमारे गरीब बच्चों को, हमारे गरीब बच्चियों को पढ़ने में कम से कम इंटर तक घर से खाना खा करके पढ़ जाती है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अमूलचूल परिवर्तन है। संकल्प संकल्प महान कार्य से उठिए उस पर। ओम जजाग्रतो दूरमुदयतु गंगामदम ओम गंगणपते नमो नमः। तो निश्चित तौर पर हम यह कह सकते हैं कि आपने सही समय पर सही लोगों को चुना, सही पार्टी का चयन किया, इसलिए राज्य का आज अपने जमुआ क्षेत्र का विकास, बिजली के क्षेत्र में भी आप देख लीजिए, आप 2005 के पहले कल्पना कर लीजिए, आपको तीसरी से लाइन आना पड़ता था, आपने हमें आशीर्वाद दिया तो भाटडी में हमने पावर सब स्टेशन बनवाया, जो खरगड़िया जंग लग गया था उसको हमने जीर्णोद्धार करा करके 2 पावर सब स्टेशन दिया, जहां देवरी में 30 साल तक वहां के जनप्रतिनिधि रहे, एक पावर सब स्टेशन नहीं था, मैंने देवरी प्रखंड मुख्यालय में पावर सब स्टेशन बनाया। इस बार आप सबों का आशीर्वाद मिला तो फिर रानीडी में पावर सब स्टेशन बना, फिर कारोडी में स्टेशन बना, फिर कुरमडीहा में पावर ग्रिड बना, जो उत्तरी प्रमंडल, उत्तरी बिजली विद्युत प्रमंडल के सारा पावर कुरमडीहा से जाता है, मतलब जमुआ से जाता है, गांवा, तीसरी, देवरी, धनवार, जमुआ, बिरनी, ये 6 प्रखंड का बिजली कुरमडीहा से जाता है। तो निश्चित तौर पर कल हम बिजली के लिए तरसता था जमुआ, आज जमुआ 6 प्रखंड को बिजली देता है, ये आप सबों के लिए गर्व का विषय है और आप सबों के आशीर्वाद का परिणाम है, संभव हो पाया है। सड़क के मामले में आप देख सकते हैं दूसरे विधानसभा और अपने विधानसभा में अंतर आपको पड़ता होगा। आप जैसे ही लूपी तरफ प्रवेश करते होंगे, जैसे ही बदवारा जाते होंगे, आपको पता लगता होगा कि हम जमुआ से अलग आ गए, हम जमुआ से
अलग प्रखंड में आ गए, आप सड़क के लिए लोग लगते, जबकि वहाँ सरकार के विधायक हैं। हम विपक्ष के विधायक रहते हुए सड़कों का जीर्णोद्धार, अभी मैंने जमुआ में जमुआ से खोरी महुआ का 20 किलोमीटर का सड़क जीर्णोद्धार किया है, और वह सड़क की स्थिति जो खराब थी उस समय हम लोगों ने 2014-15 में जमुआ से कोडरमा तक 73 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किया था, आज उसी को हम लोग सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अगर भेलवा घाटी तरफ जाइए, अब महेश किशोर जाइए, धरपहरी जाइए, चौकी जाइए, उधर पिपरा जाइए, सब जगह पर पक्की सड़क आपको मिलेगा, जो कल मोटरसाइकिल से जाने के लिए हम लोगों को सोचना पड़ता था। जग सिमर का एक हमारे यहाँ वजीर राम भदानी ग्राम सेवक था, उसको लाने के लिए जाते थे तो लोही और सौंदर्य नदी में हम लोग फंस जाते, मोटरसाइकिल एक आदमी स्टार्ट करके रखता था, एक आदमी ठेलते थे, तब हम लोग जग सिमर जाते थे। आज जग सिमर भलवा घाटी रमनी टान लोही सौंदर्य एक अच्छा सा सड़क बना है, जो जो पाणीडी में करेसर कवर गया था, आज वहां पर फिर से एक नया घर बन रहा है, नया महल बन रहा है, आज पता नहीं चलता है कि उस एरिया में उग्रवाद है। तो निश्चित तौर पर विकास के मामले में हम लोगों ने प्रयास किया है, और सभी जनप्रतिनिधियों ने एक जो दायरा है उस दायरे में रह करके विकास करने का प्रयास किया है। हम सभी जनप्रतिनिधि को, चाहे वो छोटा जनप्रतिनिधि हो चाहे वो बड़ा प्रतिनिधि हो, सबका काम है क्षेत्र का विकास करना, और निश्चित तौर पर हम सभी को विकास में मिलजुल करके काम करना चाहिए, तभी हम विकास को आगे ले जा सकते हैं। सबका उपयोगिता है, जिस दायरे में आप हैं उस दायरे के अनुसार आपको विकास करना है। बड़े काम के लिए बड़े लोग हैं, बड़े काम के लिए हमसे जो नहीं हो पाता मैं अपने माननीय मंत्री महोदय को कहता हूँ, आपसे जो नहीं होता हमको बोलते हैं। इस तरह से एक चैनल बना हुआ है, और उस चैनल में अगर हम मिलकर काम करेंगे तो एक बड़ा चैनल बनेगा, और क्षेत्र में विकास का किरण पहुंचेगा, विकास का धारा पर जाएगा। तो निश्चित तौर पर आज के अवसर पर मैं इतना यह कह सकता हूं कि आपने जिस भरोसे के साथ, जिस पर भरोसा आपने किया, हम पर भरोसा आपने किया, उस भरोसे को मैं नहीं टूटने दूंगा।